मतलब थोड़ा एक आज का लास्ट स्टॉप है सेंट पॉल कैथेड्रल और उसके बाद मैं कर दूंगा वीडियो बंद क्योंकि वीडियो है बहुत बड़ी अभी और मेरे को जाना है वापस मैनचेस्टर में क्योंकि मंडे से वापस मेरा काम शुरू रहेगा। तो बस आपको अच्छे से दिखाऊंगा मैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल, कुछ व्यूज़ शेयर करूंगा और बस वीडियो ख़त्म कर दूंगा उस पर। थैंक यू। तो वो है सेंट पॉल्स कैथेड्रल, वहाँ पर हमको जाना है इस ब्रिज से और ये है फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे HSBC डिलॉयट जैसी कंपनियों के ऑफिस वगैरह होते हैं। तो अभी हम तुरंत ये ब्रिज से आएंगे सीधा बिल्कुल सेंट पॉल कैथेड्रल में और वहाँ पे आपको मैं व्यूज दिखाऊंगा। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं क्योंकि ये बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है और हर जगह टूरिस्ट है यहाँ पे आजू बाजू हर जगह। तो वो है हमारी मंजिल, ये है वो ब्रिज और एकदम से धूप वगैरह आ गई तो मैंने चश्मा वगैरह पहन लिया हूँ, यहाँ का वेदर बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। और चलते जल्दी से पॉल्स कैथेड्रल में। ये है दशार जब हमने खाना खाए थे, ये फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, ये जहाँ पे हमको जाना है पॉल सेंट पॉल कैथेड्रल। और वो दो बिल्डिंग के बीच में लंदन आए भी है बट आपको दिखना नहीं होगा क्योंकि जूम में कर नहीं पा रहा हूँ, बट उसके बीच में लंदन आए। चलो चलते सीधा अभी। राइट, तो हम लोग पहुंच गए सेंट पॉल कैथेड्रल फाइनली। बहुत लंबा वॉक था ब्रिज का बट हम पहुंच गए और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। एक सेकंड मैं आपको वाइड एंगल से शो करता हूँ। ये पूरा सेंट पॉल कैथेड्रल बेसिकली एक चर्च ही है, बहुत हिस्टोरिक है और काफ़ी बढ़िया आर्किटेक्चर है इसका। देखिए हम लोग एकदम एंड से आए, वहाँ से एकदम एंड से यहाँ तक के आए और काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ पे। वाह, लुक एट दैट। बस यही है लंदन, बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी और बहुत ज़्यादा क्राउड। बस सिंपल वर्ड्स में ये है लंदन और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब टू सुप्रीम व्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच।